वेलकम स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स सो हियर वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स सो फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स अभी हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले डेरेवेटिव निकालना है और बाद में फाइव एक्स का तो एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ओ होगा टू एक्स और फाइव एक्स के लिए जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा फाइव तो यहाँ पे हमने क्या किया है जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव निकाला है तो एक्स रेस टू एन वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास एक्स रेश टू एन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन ये जो हमारा फॉर्मूला है उसे यूज किया है और बाद में हमने जब फाइव एक्स के लिए जब डेरिवेटिव निकाला है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन आ जाएगा और यहां पे सिर्फ फाइव रहेगा तो टू एक्स प्लस फाइव सो दिस इज अवर आंसर सो लेट सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेकंड। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ई एक्स प्लस कॉसेक एक्स तो अभी इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है सी हियर डी वाई बाय डी एक्स तो यहां पे पहले हमें ये वैल्यू लिखना होगा एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ई एक्स प्लस कॉस एक एक्स तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो पहले हमें लेना पड़ेगा वो होगा थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स ही होगा लॉग ई टू द पावर एक्स जो लॉग एक्स का डेरेवेटिव जो होता है वो क्या होता है वन बाय एक्स वन बाय एक्स और जो कॉशेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिस इज अवर आंसर तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की और मूव करेंगे सो लेट सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड सो द प्रॉब्मज वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स यहाँ पे एक्स है और साइन एक्स है तो यहाँ पे जो यू इंटू वी वाला जो रूल है हमारे पास क्या रूल है जब हमारे पास वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी होगा यानी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो गए तब हम उसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस व्ही डी यू अपॉन डी एक्स तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डी by बाय डी एक्स इज इक्वल टू जो y का जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे x साइन x तो यहाँ पे हो जाएगा x डेरिवेटिव निकालना है हमें पहले साइन x का यहाँ पे u वाला टर्म कौन सा है x होगा और v वाला साइन x तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्लस साइन एक्स एंड हियर डी एक्स अपॉन डी एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होगा और यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे और बाद में डी एक्स बाय डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे ये यह वन ही रहेगा सो फाइनली वी हैव टू राइट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिस इज अवर आंसर सो लेट सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फोर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर इंटू ई टू द पावर एक्स तो ये हमारा प्रॉब्लम है तो यहां पर भी हम जो अभी हमने यूज किया था यू इंटू वी यही रूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई बाय डी एक्स तो ये होगा पहले हमें एक दी दी एक्स स्क्वेर डी बाय डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाय डी एक्स और एक्स स्क्वायर तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का वै... वैल्यू जो है ये जो डिफरेंशिएशन है इसका जो आंसर है ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो है टू एक्स क्या है टू एक्स यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स ओके सो दिस इज आवर आंसर क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है जो एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो लिया है वो है टू एक्स और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया है ई टू द पावर एक्स लेट सी नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फाइव वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डी बाई बाय डी एक्स यहाँ पे हमें लिखना है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स और डेरिवेटिव लेना पड़ता है कॉस एक्स का तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव है वन बाय एक्स ओके प्लस लॉग एक्स को लॉग एक्स लिखेंगे कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स वन बाय एक्स और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस इसलिए यहाँ पे होने वाला है माइनस तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी माइनस माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स वन बाय एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स ये हमारा आंसर अभी हो चुका है ओके लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सिक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन यूज होगा वो होगा एक्स ओके पहले हम इसे वैल्यू अभी पुट करते हैं फॉर्मूला में डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स ओके तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें साइन एक्स का प्लस साइन एक्स को बाहर रखते हुए डेरिवेटिव निकालना है एक्स क्यूब का यू इन टू वी रूल यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो जिस स्टूडेंट्स ने जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें वो वीडियो पहले देखना चाहिए तभी आप इस तरह के प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा थ्री एक्स स्क्वेयर स्क् तो यहाँ पे भी हमने जो रूल यूज किया है वो है डी बाय डी एक्स यू इंटू वी यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स ये एक्स है तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है लेट सी नेक्स्ट वन नंबर सेवन अभी हमारे पास प्रॉब्लम है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कौन सा होगा? जो u बाई वी का जो है फॉर्मूला हमारे पास d बाई डी एक्स यू बाई वी तो यहाँ पे v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर सो दिस फॉर्मूला वी हैव हाँ टू यूज़ हीर तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो पहले हम इस तरह से लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा x डेरिवेटिव लेंगे हम साइन x का माइनस साइन x और डेरिवेटिव लेंगे हम x का डिवाइडेड बाय x स्क्वायर तो इसे आप जब सॉल्व करते हैं तो x के लिए x लेना पड़ेगा साइन x का डेरिवेटिव आपको मालूम होना चाहिए वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बाय डी एक्स का होता है वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर सो दिस इज अवर आंसर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और एक बार मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो यू बाई वी के फॉर्मेट में था यू बाई वी के लिए यहाँ पर मैंने राइट right साइड को फार्मूला दिया है सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला हियर डी बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वेर तो यहाँ पे जो यू का वैल्यू है वो है साइन एक्स और जो वी का वैल्यू आपको कंसिडर करना है एक्स तो इस फॉर्मेट में आपको पहले लिखना है जब आप इसे लिखेंगे तब हमें थर्ड स्टेप में साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस एक्स और जो यहाँ पे डी एक्स बाय डी एक्स है उसके लिए होगा ये वन होगा बाकी तो जो स्टेप में है वो कंटिन्यू टर्म आपको लिखने हैं तो इस तरह से आपको ये आंसर मिलेगा ओके नेक्स्ट वन नंबर एट बड़ी अभी हमारे पास है वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब यहाँ पे जो u का वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वन है और जो v का जो वैल्यू है वो क्या है एक्स क्यूब है तो ये आपको पहले कंसीडर करना होगा आपके माइंड में और बाद में जो हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला है वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना होगा सो लेट सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला तो इसे आपको u कंसिडर करना है और बाद में सॉरी दिस इज u ओके ये जो टर्म है आपको u एंड v यहाँ पे कंसिडर ये जो टर्म है इसे U कंसिडर करो और ये जो टर्म है इसे V कंसिडर करो और हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला यूज करो सो हाउ यू कैन फाइंड द सोल्यूशन फर्स्ट राइट डी बाई बाय डी एक्स डी बाई डी एक्सट राइट डाउन केयरफुली एक्स स्क्र प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब तो पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब लिखेंगे और हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वेयर प्लस वन का माइनस क्या था यू था यू यानी क्या है एक्स स्क्र प्लस वन है ओके और डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स क्यूब का फॉर्मूला में अच्छी तरह से वैल्यू आपको पुट करना है और यहाँ पे एक्स क्यूब है और उसका हमें देना है स्क्वेयर ओके okay. तो अभी जो यहां पे जो ऊपर वाले स्टेप्स है उसे मैं इरेज करूंगा सो इन नेक्स्ट स्टेप सी हियर। व्हाट वी विल डू डी वाई बाय डी एक्स सो लेट्स कंटिन्यू दिस एक्स क्यूब यहाँ पे है एक्स प्लस वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है ओके टू एक्स प्लस जीरो माइनस एक्स स्क् प्लस वन डेरीवेटिव लेना है एक्स क्यूब का ओ होता है थ्री एक्स स्क्वे डिवाइडेड बाय ये जो है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स सी सिक्सियर तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर सिक्स सो दिस इज अवर आंसर तो अभी हमने जो प्रॉब्लम देखे है प्रॉब्लम नंबर ओके आई थिंक हमारा प्रॉब्लम नंबर एट या नाइन चालू था सो so, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वो प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से अभी ये जो प्रॉब्लम है अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ओके okay, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जो हमारे यूट्यूब चैनल का ये जो कमेंट बॉक्स होता है वीडियो के नीचे वहां पे आपको इसका आंसर लिखना है सो दॉब्लम इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये u इन टू वी के फॉर्मेट में है तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे dy वाई बाय तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा आपको जिस फॉर्मेट में मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में इसे सॉल्व करना है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर x डेरिवेटिव लेना पड़ेगा u फंक्शन का यहाँ पे u और v क्या है ये ऊपर वाला जो टर्म है ये है U और नीचे वाला x जो टर्म है वो है v ओके ये आपको पहले अच्छी तरह से कंसीडर करना है कि ये है U और ये है v तो अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा डेरिवेटिव लेना है आपको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यू प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यू प्लस टू एक्स डेरीवेटिव लेना है एक्स का यहाँ पे और डिवाइडेड बाय जो वी वाला टर्म है उसका क्या होता है स्क्वेयर होता है फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड वी स्क्वेयर जो यू बाई वी वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे नीचे एक स्क्र होता है यानी वी का स्क्वायर होता है तो अभी आपको क्या करना है एक्स को एक्स लिखना है डेरिवेटिव जब हम ले रहे हैं एक्स स्क्र का वो क्या होगा टू एक्स होगा एक्स क्यूब का डेरेवेटिव थ्री एक्स स्क्र होगा टू एक्स का डेरेवेटिव टू होगा माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स और यहाँ पे डी एक्स बाय डी एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे नीचे है एक्स का स्क्वेयर तो आप अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप सॉल्व कर सकते हैं और ये सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो आप सिंप्लीफाई करके यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो